अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर योर लैब इंस्ट्रक्टर इंजीनियर अभिया। टुडे और एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट 8 टू अंडरस्टैंड द ग्लूकोज एंड इंसुलिन रेगुलेशन मॉडल यूजिंग दी लैब व्यू। हम लोग ने ग्लूकोज एंड इंसुलिन का मॉडल देखना है। सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करें लैब व्यू, उसकी सिमुलेशन देखेंगे। लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन एंड देन द रिजल्ट्स। The lab objective is the glucose and the insulin regulation model. Equipment which we need in the lab is the PC and the software lab view. We stand for laboratory, visual instrument, engineering workbench. First of all, I tell the glucose. Glucose comes from the Greek word for sweet. It is a type of sugar you get from foods you eat and your body uses it for energy. कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का हम जैसे कहते हैं हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया बॉडी का, तो हम लोग कहते हैं शुगर लेवल, ठीक है। इसमें कहा स्वीट का वर्ड यूज़ किया, हम लोग फ़ौरन से मीठा खाते हैं, ठीक है। एज इट ट्रैवल, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उसने बात किया फ्रॉम फूड यू ईट, ईट क्या मतलब है, जो हम खाना खाते हैं, जो भी फ्रूट्स जूसेस वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। एज इट ट्रैवल थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू योर सेल्स, इट इज़ कॉल्ड द ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर। जैसे ये शुगर हम लोग के ब्लड से सेल की तरफ जाती है बॉडी के, तो जो उसको बोला जाता है ब्लड ग्लूकोज, या उसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है। Insulin is a hormone that moves glucose from your blood into cell for energy and storage. Insulin basically क्या, glucose and insulin दो different terms है। Glucose क्या है, मतलब पहले glucose है फिर insulin है, sweet है जो हम लोग की body को boost up करती है। Insulin क्या है, basically ये hormone है जो glucose को move करता है हमारे cell के अंदर, ठीक है, energy और storage के लिए। इंसुलिन क्या है बेसिकली, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन क्रिएटेड बाय योर पैनक्रियास डैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम एट एनी गिवन मोमेंट। वो कहते हैं ग्लूकोज एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के पैनक्रियास से क्रिएट होता है, और ये कंट्रोल क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को। इट ऑल्सो हेल्प द स्टोर द ग्लूकोज इन योर लीवर, फैट एंड मसल। ये स्टोर करता है ग्लूकोज को हमारे जिगर में, फैट में और मसल्स में। फाइनली रेगुलेट्स योर बॉडी मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ये रेगुलेट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट और प्रोटीन्स को। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट मूव ग्लूकोज फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर ब्लड इनटू सेल फॉर द एनर्जी एंड द स्टोरेज। ग्लूकोज एंड इंसुलिन का बेसिकली आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन आर द हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज और शुगर इन योर बॉडी। अब बेसिकली ग्लाइकोजन क्या है, ये बेसिकली वो टर्म है जो ग्लूकोज के अंदर होती है, ठीक है। ग्लूकोज विच कम फ्रॉम द फूड यू ईट मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू हेल्प फ्यूल योर बॉडी, ठीक है। हमारे फ्यूल का मतलब यूज़ किया गया, जैसे हम लोग गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए इंसान को सर्वाइव करने के लिए हमें खाना पड़ता है, इसलिए उसने यहाँ पे फ्यूल का वर्ड यूज़ किया। इंसुलिन एंड द ग्लाइकोजन वर्क टुगेदर टू बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल, कीपिंग दैम इन द नैरो रेंज डैट योर बॉडी रिक्वायर। हाउ इंसुलिन वर्क, इंसुलिन किस तरह से वर्क करती है, ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड्स डैट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टेड आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। वो कहते हैं जब हमारा खाना हजम हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको ग्लूकोज में। फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस ग्लूकोज इज सेंट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग अ राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जिसमें से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है ना, वो हमारे ब्लड की तरफ भेज दिया जाता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। दिस इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज सिग्नल्स यूर पैनक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज सिग्नल क्या करते हैं, पैनक्रियास के अंदर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिकली आप लोग की पैनक्रियास से। द इंसुलिन टेल्स सेल थ्रू आउट योर बॉडी टू टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम। इंसुलिन हमारे पूरे बॉडी को बताती है कि आप लोगों ने किस तरह से ग्लूकोज जैसे स्ट्रीम्स लिए हैं। एज द ग्लूकोज मूव्स इनटू योर सेल्स योर ब्लड ग्लूकोज लेवल गो डाउन। जैसे आप लोग चलते हैं या हमारा यूज़ होता है, तो हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सम सेल्स यूज द ग्लूकोज एज द एनर्जी, अदर सेल्स सच एज इन योर लीवर एंड मसल स्टोर एंड एनी एक्सेस ग्लूकोज एज एन सब्सटेंस कॉल्ड ग्लाइकोजन। वही मैंने कहा जो अदर सेल्स होता है लीवर और मसल में जो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को, उसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। योर बॉडी यूजेज द ग्लाइकोजन फॉर फ्यूल बिटवीन द मील्स। के हम लोग जैसे सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना, तो उस दौरान में जो ड्यूरेशन होती है ना, वो बेसिकली जो स्टोरेज वाला होता है ना, उसको उस टाइम पर वो यूज़ करती है बॉडी। हाउ ग्लाइकोजन वर्क, ग्लाइकोजन वर्क्स टू काउंटर बैलेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है हम लोग का बैलेंस चेकआउट करने के लिए इंसुलिन का। अबाउट 4 to 6 hours आफ्टर यू ईट, खाने के 4-5 घंटों बाद द ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी डिक्रीज, ट्रिगरिंग योर पैनक्रियास टू प्रोड्यूस द ग्लाइकोजन। वो कहते हैं हमारे, कहते हैं कि हमारा डिक्रीज हो रहा है और वो कहते हैं उसको प्रोड्यूस करें ग्लाइकोजन। दिस हार्मोन सिग्नल योर लीवर एंड मसल सेल्स टू चेंज द स्टोर्ड ग्लाइकोजन बैक इन टू ग्लूकोज। दिस सेल्स दैन रिलीज द ग्लूकोज इन टू योर ब्लड स्ट्रीम सो यूर अदर सेल्स कैन बी यूज फॉर इट द एनर्जी। दिस होल फीडबैक लो विद इंसुलिन एंड द ग्लूकोज एंड द ग्लाइकोजन इज कॉन्स्टली इन मोशन। जो कहते हैं इंसुलिन और ग्लाइकोजन चलता रहता है। इट कीप्स योर ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम डिपिंग टू लो, एंश्योरिंग डैट योर बॉडी हैज़ अ स्टेडी सप्लाई ऑफ द एनर्जी।
सेकेंड ये बेसिकली टर्म्स है ग्लूकोज क्या है शुगर डैट ट्रेवल थ्रू योर बॉडी टू फ्यूल योर सेल्स, इंसुलिन क्या है और हार्मोन डैट टेल्स योर सेल्स आइदर टू टेक द ग्लूकोज फ्रॉम योर बॉडी फॉर एनर्जी और स्टोरेज और लेटर यूज। इंसुलिन बताता है जो उसने हार्मोन्स ऐसा हार्मोन है जो बताता है कि बॉडी को कितना ग्लूकोज लेवल चाहिए ठीक है कितनी देर बाद। अब ग्लाइकोजन क्या होता है आ सब्सटेंस जो बनता है ग्लूकोज से डैट स्टोर्ड इन योर लीवर एंड मसल सेल्स टू यूज लेटर फॉर एनर्जी। अब ग्लाइकोजन क्या होता है आ हार्मोन डैट टेल्स सेल इन टू योर लीवर एंड मसल्स टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इन टू ग्लूकोज एंड रिलीज इन टू योर बॉडी सो सेल कैन यूज इट फॉर एनर्जी। वो क्या करते हैं इसको रिलीज करते हैं ताकि बॉडी के डिफरेंट सेल्स बाकी जगह पर इसको यूज कर सके। पेनक्रियास क्या होता है एन ऑर्गेन इन योर एबडोमिनन डैट मेक्स एंड रिलीज इंसुलिन एंड द ग्लाइकोजन। बेसिकली क्या है एक छोटा सा साइक्लोन ने शो किया ग्लूकोज इंसुलिन प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप हो रहा है इसमें ठीक है। और उसमें वो कहते हैं क्लियरेंस और प्रोडक्शन कि क्या होता है बॉडी के कितने मींस के घंटे बाद कैसे कैसे ग्लूकोज लेवल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उसने यहाँ पे क्लियरेंस का वर्ड यूज़ किया हुआ। हाउ ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट द बॉडी कि किस तरह से ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। इंसुलिन एंड द ग्लाइकोजन डोंट टेक द इमीडिएट अफेक्ट पर्टिकुलरली इन पीपल हुज ब्लड शुगर लेवल आर एक्सट्रीमली हाई और लो। वो कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकोज होते हैं ना वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता हाई और लो पे डिपेंड करता है। हाई ब्लड शुगर क्या होता है बेसिकली यूरिनेटिंग मोर ऑफन दैन यूजुअल द किडनीज रिस्पॉन्ड टू हाई ब्लड शुगर बी ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ एक्सेस ग्लूकोज बनता है ठीक है। एक्सेसिव थर्स्ट हमें जोर से ज़्यादा प्यास दैट अकॉमनिक्स द फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन ठीक है ज़्यादा ज़्यादा पानी पीने से हम लोग को यूरिन ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। द किडनीज कैन कॉज द डीहाइड्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इंटेंस सर्वेंट ट्राइंग टू रेगुलेट द ब्लड शुगर फीलिंग द एक्सेसिवली हंगरी हमें ज़्यादा भूख लगती है। हाई ब्लड शुगर डज नॉट डायरेक्टली कॉज द फीलिंग ऑफ हंगर हाउएवर अ ड्रॉप इन इंसुलिन ऑफन कॉजेज द हंगर व्हेन इट अकॉम्पनीज द हाई ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर क्या होता है डिलेज बिटवीन द मील्स पुअर न्यूट्रिशन सम डायबिटीज मेडिसिन एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशन कैन कॉज द लो ब्लड शुगर। वो कहते हैं हम ज़्यादा डिले देते खाने में पुअर न्यूट्रिशन खाना सही ना मिल रहा तो वो बेसिकली लो ब्लड शुगर की अलामत है। इसमें सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं डिजीनेस रैपिड हार्ट बीट दिल की धड़कन वीकनेस पर्टिकुलरली इन टंग्स लिप्स आर्म्स में हम लोग का दर्द हो हंगर अलोंग साइड फेंटिंग कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी होनी चाहिए और इरिटेबिलिटी होती है। अब क्या है हम लोग इसके पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग देखेंगे है क्या। द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन रेगुलेशन आर ऑब्जर्व बाय डिवेलपिंग अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर द पेनक्रिएशन फंक्शन। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इज टू रेगुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय रिलीजिंग एन एंजाइम कॉल्ड इंसुलिन। वो कहते हैं पेनक्रियाज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है जो ग्लूकोज से वो एंजाइम रिलीज कर रहे थे उसको बोला जाता है बेसिकली इंसुलिन। वी डिवेलप अ स्टेडी स्टेट मॉडल फॉर ग्लूकोज टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। हम लोग स्टेडी स्टेट मॉडल बनाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड द इंटरस्टाइल फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल लार्ज कंपार्टमेंट। द कम्प्लीट इनफ्लो ऑफ द कंपार्टमेंट मस्ट बी बैलेंस बाई द टोटल आउटफ्लो। इन और आउटफ्लो ग्लूकोज एंटर्स इन टू द बॉडी थ्रू द एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम द गैस्ट्रोनेशियल ट्रैक्ट और थ्रू द प्रोडक्शन इन लीवर। द पैरामीटर फॉर इनपुट फ्लो रेट के जैसे वो एंटर हो रही है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया गया। वो कहते हैं जब वैन ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीज अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट एक उसने सेट किया अल्फा उससे एक्सीड कर जाए तो ग्लूकोज इज एक्सर्टेड बाई द किडनी एट द रेट प्रोपोर्शन टू द ग्रेडियंट बिटवीन द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू जी माइनस अल्फा ग्रेटर देन अल्फा जी। बेसिकली क्या है ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है अल्फा हमने उसकी लिमिट सेट की है अगर जीरो होगी तो वो लेस देन हो जाएगी अल्फा। अब क्या एक सिंपल सा मॉडल है आप लोग का क्लोज लूप आप लोग को शो हो रहा है ठीक है। आप लोग जैसे कंट्रोल में भी पड़ोगा फीडबैक सिस्टम है फीडबैक सिस्टम ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है ये आप लोग की इनपुट है ये आप लोग की आउटपुट है। अगली स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बेसिकली है। सपोज करते हैं हम लोग एक्स टी और वाई टी क्या है प्लाज्मा ग्लूकोज एंड इंसुलिन कंसेंट्रेशन है एट टाइम टी देन द इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन। मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करें इसलिए हम लोगों ने ये टर्म साथ यूज़ किए हैं ठीक है। इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन एच टी विल रिप्रेजेंट द ग्लूकोज रेगुलेशन काइनेटिक्स वाइल जी टी वुड रिफ्लेक्ट द डायनेमिक्स ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। द क्लोज लूप सिस्टम इज परटिबेटेड बाई एन इम्पल्सिव इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटरवेंसिव इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग दिस रिजल्टिंग टाइम फोर्स वाई टी आप लोग की बेसिकली आउटपुट एक्स टी आप लोग की इनपुट है। द मॉडल ऑफ द ग्लूकोज डायनेमिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब क्या है वो जर्नल था अब जो हम जर्नल उसी को ही हम लोगों ने पैरामीटर सेट किया ठीक है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है कंट्रोलर है इंसुलिन पम्प है पेशेंट बॉडी हम क्या करें इस पेशेंट का एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है। अब एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं यूजिंग लैब यूज सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या करें एक डायबिटिक पर्सन का देखेंगे ग्राफ और एक नॉर्मल पर्सन का देखेंगे एक्चुअल ग्लूकोज लेवल और क्या है फीडबैक पे ग्लूकोज सेंसर लगा हुआ है कि अगर रेंज कम या ज़्यादा होगी तो वो इनपुट पे जाके बताएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है इन क्लोज लूप कंट्रोल अ फीडबैक इज टेकन फ्रॉम द बॉडी बाय प्लेसिंग द सेंसर विद सेंसेस द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। द आउटपुट ऑफ द सेंसर इज गिवन टू द कंट्रोल जैसे मैंने बताया फीडबैक पे लगा हुआ है
ये इनपुट देगा कंट्रोलर को एंड बेस्ड ऑन द एरर द कंट्रोलर पंप्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू द बॉडी. कंट्रोलर इज मेन पार्ट इन द क्लोज लूप कंट्रोल. सो फॉर डिजाइनिंग द कंट्रोल एल्गोरिथम वी फर्स्ट डिवेलप द मॉडल ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन काइनेटिक्स ऑफ द नॉर्मल पर्सन एंड देन सिमुलेट दैम. द सिमुलेशन रिजल्ट आर स्टोर्ड इन द लुकअप टेबल एंड बेस्ड ऑन द इंसुलिन पंप द इंसुलिन टू द बॉडी. डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इज इजियर इन लैब व्यू एंड हैज द ग्लूकोज इंसुलिन सिस्टम इज सिमुलेटेड इन द लैब व्यू सॉफ्टवेयर. अब क्या है सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग का बेसिकली कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप है जिसको हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं. ये आप लोगों का बेसिकली क्या इंटीग्रेटर लगा हुआ है 1/s. ये आप लोग का फ्लो चार्ट है, एक ग्लूकोज का एक इंसुलिन का है, ठीक है. एक नॉइस है यहाँ पे रैंडम और ये ट्रांसफर फंक्शन है उसका. यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम इक्वेशन के जरिए से हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ मल्टीप्लीकेशन. ये रेंज सेट किया 0.04 है. जैसे ही जहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि सिमुलेशन लूप बेसिकली है कि एग्जीक्यूट द सिमुलेशन डायग्राम अंटिल द कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप रीच इज द फाइनल टाइम हार्ट. इसमें स्टॉप का बटन यूज किया जाता है. आप लोग का बेसिकली रिजल्ट है फ्रंट पैनल का, ठीक है. क्या है, एक ग्लूकोज का कर्व है, एक इंसुलिन का है. एक्स एक्सिस पे सिमुलेशन टाइम है, वाई एक्सिस पे आप लोग को पता है एम्पलीट्यूड है कि किस तरह से आप लोग की ग्लूकोज की वेरिएशन हो रही है और आप लोग की इंसुलिन क्या वर्क कर रही है आफ्टर मील की ड्यूरेशन के दौरान. रिजल्ट की डिस्कशन है, कुछ डायबिटिक पर्सन बॉडी प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन कम्पेयर टू नॉर्मल. जाहिर सी बात है जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो लेस इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. इसी वजह से उसको डायबिटीज़ का पेशेंट है. कॉन्सिक्वेंटली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एकुमुलेट इन द ब्लड. इवन थो द ब्लड हैज़ ई प्लेंटी ऑफ इंसुलिन द सेल्स ऑफ अ पर्सन विद डायबिटिक नॉट गेटिंग देयर क्रूशियल एनर्जी और ग्रोथ रिक्वायरमेंट. कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एकुमुलेट इन द ब्लड. इवन थो द ब्लड हैज़ प्लेंटी ऑफ इंसुलिन द सेल ऑफ पर्सन विद डायबिटीज आर नॉट गेटिंग देयर क्रूशियल एनर्जी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंसुलिन डोजेज, ये कहते हैं जैसे वो इंसान ले लेता है इंसुलिन द ग्लूकोज इज रेगुलेटेड टू नॉर्मल आफ्टर द 30 मिनट्स के बाद उसकी जाकर नॉर्मल होती है. जर्नी द इंसुलिन पम्प्स एंड इनहेल द इंसुलिन टेक्निक्स आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स. दिस सिमुलेशन रिजल्ट्स आर यूजफुल फॉर द डिजाइन ऑफ इंसुलिन पम्प एंड द अदर रिलेटेड द मेडिकल इक्विपमेंट.